स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालों के एक कंसल्टेंट फिजिशियन की तरह कार्यरत हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने इस सेकेंड वेव ऑफ कोविड में ऑब्जर्व किए हैं। सबसे पहला कि ये सेकेंड वेव ऑफ कोविड पहली वाली वेव से ज़्यादा संक्रामक है, ज्यादा से ज्यादा लोग कोविड से इन्फेक्ट हो रहे हैं कम समय में। एक पेशेंट आता है उसके 2-3 दिन के अंतर में पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो जाती है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि जिन लोगों को पिछली वेव में कोविड इन्फेक्शन हो चुका है उनमें से भी कुछ लोग इस बार पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि आपको ये लगता है कि आपको पहले कोविड हो चुका है या आपने वैक्सीन ले ली है तो आपको कोविड नहीं होगा, आपको इसको सीरियसली नहीं लेना है, तो ये गलत है। आपको अभी भी रिस्क है कोविड इन्फेक्शन होने का। हालांकि हो सकता है कि ये पिछली बार की तरह ना हो, सीरियस ना हो, बट स्टिल आप इन्फेक्ट हो सकते हो। तीसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई लोगों को ये बोलते देखा है कि यंग लोगों में बीमारी नहीं हो रही है, यंग लोगों को बहुत माइल्ड कोविड हो रहा है, बट इस वेव में हमने इसका उल्टा देखा है। इस वेव में यंग लोग भी कोविड से इन्फेक्ट भी हो रहे हैं और उनको हॉस्पिटलाइजेशन भी लग रहा है। अभी के टाइम पे अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो जब हम ये बात कर रहे हैं, मेरे पास 3 पेशेंट मेरे केयर में आईसीयू में एडमिट हैं। उसमें से एक की उम्र 25 से 30 की है, एक की करीब 40 के आसपास है और एक 60 या 65 साल के पेशेंट हैं। और ये तीनों आईसीयू में हैं और इनको तीनों को वेंटिलेटर लग रहा है। मतलब कि उम्र दराज लोग तो संक्रमित और सीवियरली संक्रमित हो ही सकते हैं, यंग लोग भी इससे सीरियसली प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए प्लीज बचाव जरूर रखिए। मैं आपसे 2 बात और शेयर करना चाहूंगी। शायद आप लोग न्यूज चैनल अगर आप देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आज तक न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार, उनकी आज कोरोना से दुखद निधन हो गया है। उसी तरह महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में रहने वाले एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर, 30-35 साल के यंग बॉडी बिल्डर की भी कोरोना से दुखद मृत्यु हो गई है। अब आप ये समझ सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन में इंसान है तो बहुत फिजिकली फिट रहता होगा, फिर भी कोविड के कहर से वो अपने आप को नहीं बचा पाए। तो अगर आप यंग हैं, आप फिजिकली फिट हैं, तो भी इस भ्रम में मत रहिए कि आपको कोविड सीरियसली नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज बचाव पे ध्यान दें। मैंने पिछले वीडियो में जो बचाव के 12 स्टेप्स बताए थे उस पर प्लीज फोकस करें, वही आपके लिए अच्छा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आज ही जाइए और उसको जरूर देखिए, क्योंकि बचाव उपचार से ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में कोविड से बचने के तरीके हमको पता है, वैक्सीन हमारे पास है, लेकिन इसका कोई श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। आइए हम आज का टॉपिक चालू करते हैं। मैंने ऐसा आपको वादा किया था, हम आज उपचार और लक्षण के बारे में बात करने वाले हैं कि कोविड 19 के लक्षण क्या है, आप कैसे पहचानेंगे एंड उसका उपचार कैसे करना है। अब ये वीडियो में हमें हर चीज बहुत डिटेल में देखनी है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, थोड़ा लंबा होने वाला है। तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। पहले भाग में हम ये देखेंगे कि कोरोना से लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, आप इनको कैसे जल्द से जल्द पहचान सकते हैं, डॉक्टर के पास जाकर आपको क्या चीजों का टीका ख्याल रखना है एंड क्या टेस्ट करवाने हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपको आपके लक्षण और टेस्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में कैसे विभाजित किया जाता है। इसके दूसरे भाग में हम देखेंगे कि कुछ लोग, जैसा कि बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हैं कि 80% तक लोगों को कोरोना के कारण घर पे ही उनका इलाज हो सकता है, उनको कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के लिए घर पे रहने के क्या रेगुलेशंस हैं जिनको हम होम क्वारंटीन रूल्स बोलते हैं, उसमें क्या क्या आता है, क्या सिम्टोमेटिक दवाइयाँ आप ले सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आपके आइसोलेशन में रहते रहते ये बीमारी आपके परिवार वालों को ना हो, इसके लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं। इसके बाद हम ये भी देखेंगे
15% लोग जो दुर्भाग्यवश जिनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है उनके लिए उनको क्या रेड फ्लैग साइन जिसको हम बोलते हैं कि क्या चीजों का ध्यान रखना है और जो इमरजेंसी का सूचक होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि वो 15% लोग जल्द से जल्द अस्पताल जाकर अपना इलाज करवा पाए। साथ ही साथ उस दूसरे भाग में हम ये भी देखेंगे कि रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ हैं रेमडेसिविर एक्टेम्रा जिनका बहुत हल्ला मच रहा है, इन दवाइयों ये एक्चुअली है क्या और इन दवाइयों की एफी। चलिए हम आज का वीडियो का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि लक्षण क्या क्या है कोरोना के। आपको सर्दी लग सकती है, गले में हल्की खराश हो सकती है, इसके अलावा आपका मुंह सूख सकता है, आपको हल्का बुखार हो सकता है। हल्के बुखार से क्या मतलब है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम बुखार अगर है आपका तो। इसके बाद आपको सर दुख सकता है, शरीर में कमजोरी लग सकती है, आपको दर्द हो सकता है हाथ पैरों में, मोस्टली हमने देखा है कि कमर के निचले हिस्सों में ज्यादा दर्द होता है, कमर और पैरों में। इसके अलावा आपको भूख कम लग सकती है, आपके सूंघने और टेस्ट करने के सेंसेशंस कम हो सकते हैं या जा सकते हैं। ये टिपिकल सिम्टम्स ऑफ कोविड हो गए। अब एटिपिकल सिम्टम्स भी है, मतलब ऐसे कुछ सिम्टम्स जो कोविड पहली वेव में उतने नहीं देखे गए थे बट अब ज्यादा आ रहे हैं। उनमें क्या क्या है, आपको उकाई आ सकती है, उसको उल्टी आना बोलते हैं, आपको हो सकता है खाना देख के न खाने की इच्छा हो, पेट में दर्द हो सकता है, मोस्टली पेट के निचले हिस्से में, जुलाब लग सकते हैं, आपको शरीर पे लाल लाल चत्ते आ सकते हैं या हो सकता है आपकी आंखों में लालपन आ जाए। इनमें से कोई भी एक लक्षण अगर आपको दिख रहा है, आपने ऑब्जर्व किया है, तो उसको अपने सिम्टम का पहला दिन मानिए और इमीडिएटली जैसे ही आपको पता चले आप एक आइसोलेशन में चले जाइए, मतलब अपने आप को अपने फैमिली मेंबर और बाकी लोगों से अलग कर लीजिए। आप तुरंत मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए और एक अलग कमरे में चले जाइए। इसके बाद आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को फोन कीजिए, आपका फैमिली डॉक्टर हो, चाहे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए देख सकते हैं, जो भी हो आप डॉक्टर को फोन कीजिए, उनसे अपने लक्षण शेयर कीजिए और वो आपको कुछ लैब टेस्ट करने को बोलेंगे। वो करें लैब टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके डॉक्टर्स आपको कौन कौन से लैब्स करने को बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉल करने को बोलेंगे CBC, माने आपके ब्लड 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 सेल्स में से कुछ एक सेल्स होते हैं जिनको हम WBC बोलते हैं। इनमें से न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट ये दो तत्व होते हैं, इनमें कितना बढ़ोतरी हुआ है ये देखने के लिए जांच किया जाता है। ये इनडायरेक्टली हमें ये बताता है कि आगे आपकी बीमारी कितनी सीवियर हो सकती है। दूसरा टेस्ट है CRP, इसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये भी हमें यही बताता है कि आपकी आगे जाके बीमारी किस डायरेक्शन पे जा सकती है, आपकी मॉडरेट रहेगी, माइल्ड रहेगी या और बढ़ेगी। तीसरा है D-dimer। नाउ कोविड में हमने ये देखा है कि काफी सारे मरीजों को खून के थक्के जमने लगते हैं छोटे छोटे। अब ये खून के थक्के जमेंगे या नहीं ये हमको बताता है D-dimer टेस्ट। दूसरा एक चौथा टेस्ट है फेरिटिन। फेरिटिन भी अगेन हमको यही बताएगा कि आगे कितना रिस्क है आपको सीवियर इन्फेक्शन होने का। तो ये चार बेसिक ब्लड टेस्ट हैं जो आपको आपका डॉक्टर कराने को बोल सकता है और ये जरूरी है कि हम इनको पहले दिन में जितने जल्दी हो सके करवा लें, ताकि यदि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से हमारे आगे के 2-7-8 दिनों में हमें कुछ तकलीफ डेवलप होने लगे तो पहले दिन के बेसलाइंस हम कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना बढ़ा है, कितना सीवियर हुआ है ये। इसके अलावा हम इमेजिंग मतलब एक्सरे क्या क्या कर सकते हैं, तो छाती का एक एक्सरे निकालना पड़ेगा जिसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि निमोनिया बैठा है कि नहीं बैठा। इसके साथ साथ ECG करना पड़ेगा कि आपके दिल की धड़कनें बराबर काम कर रही हैं। अब ये तो हो गई आपकी लैब्स और एक्सरे की बातें, अब पता कैसे करवाएंगे कि कोविड इन्फेक्शन है कि नहीं। इसके लिए जरूरी है कोविड का RT-PCR स्वैब टेस्ट। अब ये क्या होता है, एक स्वैब रहता है, आप डॉक्टर नर्सेस के पास जाओगे तो वो आपके नाक से एक सैंपल लेंगे, आपके मुंह से एक सैंपल लेंगे, इस सैंपल को वो लोग टेस्ट करेंगे। इसका टेस्ट का रिजल्ट आने में 24 घंटे लग सकते हैं, बट आज जितना लोड है इन्फेक्शन का और जितना लोड है टेस्ट का, लैब्स को करीब 7-8 दिन भी लग रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको ये जल्द से जल्द का रिपोर्ट ना मिल पाए, तो अब क्या करें, 7-8 दिन तो वेट कर नहीं सकते। तो एक दूसरा टेस्ट भी है हमारे पास, रैपिड एंटीजन टेस्ट। हालांकि ये RT-PCR जितना प्रभावी नहीं है संक्रमण पकड़ने के लिए,
लेकिन इसकी रिपोर्ट आपको 2 से 2.5 घंटे में आराम से मिल सकती है। अगर आपका डॉक्टर ये करने को आपको कहते हैं तो प्लीज इसको करने से हिचकिचाइए मत, ये आपके लिए उतने ही जरूरी है जितना कि आगे की दवाइयां जरूरी हो सकती है। तो अब तक हमने देखा कोरोना के लक्षण क्या क्या हैं और डॉक्टर्स आपको क्या लैब टेस्ट करवाने को बोल सकते हैं। अब इन दोनों के आधार पर हम ये देखेंगे कि मरीज को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में कैसे डिवाइड करते हैं। माइल्ड कैटेगरी मतलब हल्की फुल्की, मॉडरेट कैटेगरी मतलब मध्यम, और सीवियर कैटेगरी मतलब तीव्र। इसका मतलब मरीज की बीमारी की तीव्रता का हम आकलन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं हम माइल्ड या हल्का फुल्का वर्ग। इसमें अधिकतर मरीज हल्के फुल्के बीमारी लक्षण के साथ आते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी हो गया, हल्का बुखार हो गया, थोड़ा बदन दर्द, थोड़ा सर दर्द, थोड़ी कमजोरी, इन सब के साथ आते हैं। कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होते, न तो जाँच करते वक्त, न जाँच करने के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन के समय तक। वो सिर्फ इसलिए जांच करवाते हैं क्योंकि वो कभी ना कभी किसी ना किसी पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए होते हैं, तो ये भी हो सकता है। अब जो हमने लैब टेस्ट किया उनमें क्या क्या होगा, आपका जो सीआरपी है वो 25 से कम होगा, नॉर्मल रेंज है 0 से 5 या 0 से 6, लैब्स पर डिपेंड करता है। बट आपके यदि आप माइल्ड कैटेगरी में या हल्की फुल्की कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपका सीआरपी 25 से कम होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल 95% से ऊपर रहेगा, अगर आपने सीटी स्कैन करवाया, एक्सरे करवाया तो उसमें न्यूमोनिया के लक्षण नहीं मिलेंगे आपको, और मिलेंगे भी तो वो 8 से कम स्कोर के होंगे, टोटल होता है 25 का, तो 8 से कम होगा आपका। इसके बाद हम आते हैं मॉडरेट कैटेगरी में, जो कि है मध्यम वर्ग। जैसा हम जानते हैं, पहले बता चुके हैं, अक्सर 80% से 80 से 85% लोग जो होते हैं वो माइल्ड कैटेगरी में ही आते हैं, केवल 15 से 20% लोग जो है वो मध्यम या तीव्र कैटेगरी में आते हैं। तो मॉडरेट कैटेगरी में, मध्यम कैटेगरी में क्या क्या लक्षण होते हैं, पहले वाले सारे लक्षण रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ हो सकता है आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ आने लगे, थोड़ा भारीपन लगने लगे, इसके साथ साथ आपकी सांस लेने का जो रेट है, रेस्पिरेशन रेट, वो अराउंड 24 के आसपास, 24 से थोड़ा ऊपर हो जाए, आपका सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन लेवल जो है वो 90 से 95 के बीच आने लगे। आप अगर आपने सीटी स्कैन करवाया है अपनी छाती का तो उसमें आपको 8 से 16 अंक मिल सकते हैं 25 में से। इसके अलावा आपने सीआरपी करवाया है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, तो 25 से 100 के बीच में आएगा। तो ये हो गए आपके मध्यम कैटेगरी के लक्षण। अभी तीव्र कैटेगरी या सीवियर कैटेगरी में, तो इस कैटेगरी के मरीज मोस्टली जिनको सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, वो बात करते हैं तब भी उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, खाते वक्त भी तकलीफ होती है, और बैठे बैठे भी सांस लेने में तकलीफ होती है। उनका रेस्पिरेशन रेट, सांस लेने का जो रेट है, वो 34 से ऊपर चला जाता है। इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन 100 से ऊपर चला जाता है। अगर छाती का स्कैन किया जाए तो उनका स्कोर 16 से ऊपर आएगा, टोटल 25 में से 16 के ऊपर आएगा। उनको न्यूमोनिया के लक्षण दिखने लगेंगे, बुखार, बहुत तेज बुखार आना, बहुत ज्यादा खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब लक्षण। अब यदि तो आप माइल्ड या हल्की फुल्की कैटेगरी में आते हैं तो आपको होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा, मतलब 14 दिन आपको घर पे रहने को बोला जाएगा। उसमें क्या करना है, नहीं करना है, वो आपको सब समझाया जाएगा। इसके अलावा यदि आप मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में, मतलब मध्यम और तीव्र कैटेगरी में आते हो, तो फिर आपको हो सकता है आपके डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट होने को या आईसीयू में एडमिट होने की सलाह दे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप शुरुआती दौर में माइल्ड रहे हो, लेकिन 7 या 8 दिन के बाद तीव्रता में थोड़ा परिवर्तन आए और आप मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में चले जाओ, तो वो हम बाद में आगे कि जैसे जैसे हम वीडियो आगे डिस्कस करेंगे वैसे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज के लिए अभी तक हमने देखा कि लक्षण क्या है कोरोना के, लैब्स क्या क्या करवाने को आपके डॉक्टर, टेस्ट क्या क्या करवाने को बोल सकते हैं, इसके अलावा इन दोनों के आधार पर आपको किन तीन में से किन कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में, ये तो आज का वीडियो हो गया, अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि यदि आपके माइल्ड लक्षण आते हैं और आपको होम क्वारंटीन दिया जाता है तो आपको उसमें क्या क्या सावधानी बरतने को बोलेंगे, क्या करने और खाने को बोलेंगे, दवाइयां हल्की फुल्की क्या लेने को बोलेंगे, प्लस आपके परिवारजनों को ये बीमारी ना हो इसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आजकल जो कुछ बीमारियां दवाइयां हैं, जैसे रेमडेसिविर है, एक्टेम्रा है, इनके बारे में काफी चर्चाएं चल रही हैं, तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअली ये दवाइयाँ क्या क्या हैं, ये क्या करती हैं, और क्या ये कोरोना में इतनी कारगर हैं
कि इसके लिए हम इतना हल्ला मचाएं। तो ये सब हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में, अपने अगले पार्ट में। अब अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो भी इसे लाभ ले सके। इसके अलावा आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप देख पाएंगे कि ये सब चीजें जो हम आगे होम क्वारंटीन देखने वाले हैं, बीमारियों के बारे में और पता करने वाले हैं, वो सब क्या है। तब तक के लिए आप अपना प्लीज घर पे ख्याल रखिए और मस्त रहिए आराम से।